गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं तस्फान रेनू। सो चलिए देखते हैं आधेत टीजर एंड ये है हनी सिंह की न्यू सॉन्ग टीजर एंड जो टीजर आज ही रिलीज हुआ है जी म्यूजिक कंपनी ये यूट्यूब चैनल पर। सो चलिए देखते हैं धेत टीजर को एंड देखते हैं यहाँ पे क्या धेत मचाया है हनी सिंह ने। सो चलिए देखते हैं एक साथ। सो गाइस लेट्स प्ले। ओहो हनी पाजी ने आ गया गाड़ी लेकर और साथ में लड़की लॉस एंजल्स किंग। क्या खूब एक्सप्रेशन। नवंबर की 15 तारीख में जैसे कि और कुछ दिन के बाद ये गाने रिलीज होगा। ये गाने का नाम को क्या मैं बोलूँ, धेत या धित? मुझे लगता है धित नहीं होगा, धेत होगा भाई। धीत गाने का टीज़र तो बहुत ही बढ़िया सा क्या म्यूज़िक था एंड इधर में कोई लिरिक्स नहीं दिया है एंड लिरिक्स अगर होता तो थोड़ा सा पता लगता, पर सिर्फ म्यूज़िक दिखाया एंड साथ में यू हनी सिंह का जो गुस्से वाला एक एक्सप्रेशन दिया था, ऐसे नीचे करके नीचे देख के ऊपर में दिख रहा था आई एक्सप्रेशन, बहुत खतरनाक था। मुझे लगता है धीत गाना भी बहुत खतरनाक बन के आएगा 15 नवंबर पे। तो 15 नवंबर तक अब वेट कर लो, ये गाना पूरा आएगा जब तभी देखना। अभी टीज़र सिर्फ अपलोड हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं टीज़र में हमने देखा एक गाड़ी को, बहुत शानदार का तरीके से गाड़ी को दिखाया थोड़ा सा एंड एक लेडीज़ को हमने देखा है कितना ब्यूटीफुल है। एंड हनी पाजी के गाने के अंदर भाई म्यूज़िक तो सच में बहुत अच्छा बनता है, हनी सिंह का गाने भी बहुत हाई लेवल का बनता है एंड इसके अंदर हाई ब्रांड की गाड़ियाँ दिखाते हैं, हाई ब्रांड की लड़की नहीं खूबसूरत लड़की दिखाते। तो इसको मैं क्या बोलूँ, धीत बोलूँ या धैत बोलूँ पता नहीं, फिर भी ये थंबनेल में जिस तरीके से हनी सिंह का एक्सप्रेशन दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि हम नहीं बोलते कि गुस्सा होकर धैत धैत तरीका ऐसे टाइप की नहीं बोलते, कुछ यही टाइप का एक्सप्रेशन दिया है थंबनेल में। मुझे लगता है हनी सिंह के देखने के बाद ऐसे ही लग रहा था एंड उनका गेटअप देख के पता लग रहा था कि जो गाने था ना कुछ दिन पहले में क्या बोलते हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ क्लस्टर गाने, वही गाने का जो मूछे का स्टाइल है हेयर का थोड़ा सा वही फॉर्म में आ रहा है। मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा अच्छा गाने बनेगा क्लस्टर गाने। आप जानते कि ऑलरेडी 108 मिलियन व्यूज़ हो गया एंड अभी बहुत ज़्यादा ही मचा रहे हैं भाई हनी पाजी। सो जो भी हो मुझे अच्छा लगता है कि हनी सिंह पाजी ने कुछ मंथ यानी कि कुछ लास्ट कुछ ईयर में उनका गाने में इतना ज़्यादा धूम नहीं मचाया था, बीट और म्यूज़िक एंड जो भी हो थोड़ा सा अलग लेवल टाइप के गाना गाया था। पर अभी हम ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हनी सिंह पाजी ने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है, मतलब कि पहले में ओल्ड हनी सिंह जिस टाइप के गाने गाते थे, जिस टाइप के बीट पे गाना गाते थे एंड जिस टाइप बीट पे गाना बना रहे थे वही टाइप के मतलब कि पुराने ओल्ड सिंह वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो जो भी हो बहुत अच्छा लगा है धीत ये टीजर एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये गाने पूरा आएगा। तो रेडी हो जाओ 15 नवंबर के लिए एंड इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इससे पहले आएगा एमए बंताई के साथ हनी सिंह ने म्यूज़िक किया है वही एक गाना गुड बॉय। सो वो गुड बॉय 13 नवंबर में आएगा, तो मुझे देखना है 13 नवंबर में गुड बॉय में म्यूज़िक कैसा रहेगा हनी सिंह का। बाद में 15 नवंबर में आएगा धेत गाने। सो भाई क्या बताऊँगी, ये मन तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि आग लगा दे रहा है हनी सिंह और एक साथ इमेज बनता है। सो जो भी हो अच्छा तो बनेगा ही ना। सो ये था रिएक्शन वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मैं धेत बोलूँगी। सो बाय।